नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। माता रानी के जयकारों व कलश स्थापना के साथ ही आज सोमवार को शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। शुभ मुहूर्त में लोगों ने कलश की स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की आराधना शुरू की। लोगों ने व्रत धारण कर शैलपुत्री माता की आराधना व विशेष पूजा अर्चना की। सीमांत जनपद मुख्यालय के देवी माता मंदिर, गुर्दा माता, उल्का देवी माता, वरदानी माता, जयंती माता, पुराना बाजार स्थित शिव मंदिर, पितरौटा कालचिन मंदिर, मां कामाख्या, कौशल्या देवी, घंटाकरण स्थित घंटेश्वर महादेव, लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित गंगोलीहाट, कालिका मंदिर, पाकू के कोटगाड़ी मंदिर, लेकघाटी मंदिर व जिले के अन्य थल, बेरीनाग, मुनस्यारी, धारचूला, डीडीहाट के मंदिरों में सुबह से ही प्रथम नवरात्र के अवसर पर भक्तों की खासी भीड़ जुटी रही। नवरात्र अनुष्ठान को लेकर पूजा अर्चना की खरीदारी के लिए बाजारों में भी खासी भीड़ दिखी। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करने के साथ ही प्रथम शैलपुत्री की आराधना कर सुख शांति स्मृति की कामना की। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम व सुगम यातायात व्यवस्था के उद्देश्य से पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन में चलाए जा रहे अभियान के तहत उप निरीक्षक बसंत डमटा की अगुवाई में डीडीहाट क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालक गोविंद सिंह को शराब पीकर वाहन चलाने पर गिरफ्तार किया गया व वाहन को भी सीज किया गया। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 वाहन चालकों का चालान किया गया। इधर मिशन मर्यादा अभियान के तहत धार्मिक, पर्यटन व सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने व शराब पीकर हुड़दंग मचाने तथा शराब बिक्री व तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक मेगा शर्मा व पुलिस टीम द्वारा नवीन चेदर निवासी पुनेड़ी को दुकान में शराब पिलाने व अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बलवाकोट में कांस्टेबल नीरज सिंह द्वारा 2 लीटर कच्ची शराब के साथ पुष्कर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद भर में 26 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस व कोटपा अधिनियम में चालान की कार्रवाई की गई। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। रेडक्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम के तहत सोसाइटी के डॉक्टर तारा सिंह ने लोगों से नवरात्र अवसर पर पॉलिथीन का स्वेच्छा से त्याग करने की अपील की है। स्वच्छता अभियान के तहत नेड़ा में महिलाओं द्वारा सफाई अभियान चलाते हुए अपने घरों के आसपास व क्षेत्र में फैले कूड़े को एकत्र कर नष्ट किया। क्षेत्र के लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए पॉलिथीन का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद करने की अपील की गई। इस अवसर पर किरण सोराड़ी, भावना ततराड़ी, लीला शर्मा, गोदावरी देवी, वंदना, भागीरथी धामी, चेतन भट्ट, निर्मला मेहरा, बबीता भट्ट, दक्ष, सुनीता ओली, दीपा देवी, भावना खोली आदि मौजूद थे। बीते दिनों से हुई बारिश मानसून की विदाई का एहसास कराते हुए आफत बनकर बरसी है। बारिश के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सोमवार को बारिश थम तो गई पर आसमान में बादलों का आना जाना लगा रहा। बारिश के कारण सीमांत जनपद में सोमवार की सुबह 20 मार्ग बंद रहे। मलबा आने से सीमांत की लाइफलाइन बंद पड़ी है। बारिश के कारण बीते दिवस पिथौरागढ़ घाट मोटर मार्ग में दिल्ली बैंड व देर सैंग गुरना मंदिर के निकट मलबा आने से यातायात अवरुद्ध हो गया। मार्ग बंद होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर संबंधितों को मार्ग खोले जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। आज सुबह गुरना मंदिर के निकट मार्ग तो खुल गया पर पहाड़ी से मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी को सतर्क रहने को कहा है। सोमवार की सुबह घाट के निकट दिल्ली बैंड में फिर से भारी मात्रा में मलबा आने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार मार्ग मंगलवार दोपहर तक खुलने की संभावनाएँ जताई गई हैं। मुख्य मार्ग के बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मार्ग बंद होने से लोगों को लंबी दूरी तय कर आवाजाही करनी पड़ रही है। जिले के अन्य क्षेत्रों में भी मार्ग में मलवाने से आवागमन ठप रहा। मुनाकोट के बोरा गांव को जाने वाली सड़क भी ध्वस्त हो गई। बारिश के कारण जिले के कई स्थानों में भूस्खलन होने से मकानों को भी खतरा बना हुआ है। मार्ग में पहाड़ी से पत्थर आने का भय भी सता रहा है। लगातार हुई बारिश से नदी नाले भी उफान पर आ गए। काली नदी चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ 29.4 mm, गंगोलीहाट 17 mm, बेरीनाग 12 mm, डीडीहाट 10 mm, मुनस्यारी 9.40 mm व धारचूला 21.20 mm बारिश हुई है। जिले में सोमवार की सुबह 20 मार्ग बंद रहे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बंद मार्गों को खोलने के प्रयास जारी थे। इधर चंपावत जनपद में भी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर मलबा आने से बंद हो गया और आवागमन
ठप हो गया। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के आदेशानुसार मार्ग खोले जाने के कार्य जारी थे। लगातार NH के अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों से कई स्थानों पर मलबा हटाकर मार्ग खोल दिया गया और छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। अन्य स्थानों पर भी मार्ग खोले जाने के प्रयास जारी थे। मलबा आने के कारण मार्ग बंद होने से कई स्थानों पर लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।